बरही मेहर मार्ग महानदी पर बने पुल क्षतिग्रस्त होने से समस्त वाहनों के आवागमन एवं परिवहन पर 26/11/2022 से कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे आकस्मिक दुर्घटना से बचा जा सके। वही पुल पर रोक लग जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बरही मेहर SH-11 मार्ग पर छोटी महानदी पुल पर बने ब्रिज का है, जहां वाहन पुल के दोनों तरफ खड़े रहकर यात्रियों का घंटों इंतजार करते नजर आए। वहीं मेहर बरही मार्ग पुल बंद होने का बोर्ड न लगने से बाहर से आए लोगों को भटकना पड़ रहा। आइए सुनते हैं कानपुर से लौट रहे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के निवासी नरेंद्र सिंह का क्या कहना है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से जिला ब्यूरो राजेश केवट की रिपोर्ट। मैं नरेंद्र सिंह फ्रॉम जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और कानपुर से चला आ रहा हूँ। इस NH में ना कहीं पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, मुझे पुलिया क्षतिग्रस्त बताई जा रही। अब मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ जाऊँ। सही बात है सर जी, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आ रहा हूँ, सवेरे 6 बजे का चला हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ जाना है मुझे, यहाँ से कम से कम 900 किलोमीटर। अब बताइए, और ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई कर्मचारी है। अगर इस तरीके की व्यवस्था इंडिया में करनी हो तो ऐसे ऐसे तो आग लगा देना ज्यादा बेटर। और क्या, बहुत सही सर जी, बहुत सही, खाली बहुत सही, बहुत सही। कहा नहीं जाता, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन बीच में तो पता चला कि मैहर से रोड डाइवर्ट का बोर्ड लगा हुआ था। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। मैं डायरेक्ट मैहर, वो लोग गांव के लोग ही कर दिए छोटे छोटे अक्षर में। आपका उमरिया जाना है, 500 गाड़ी दिन भर में वापस करते हैं। मुझे रात भर में मैं वापस करता हूं। उमरिया कहां से जाना है? अब मैं स्थानीय लोगों से पूछूंगा कौन से रास्ते से डाइवर्ट करके जाना है। मेरी जो समस्या मेरे साथ में, उसका समाधान कैसे किया जाएगा? प्रशासन से मेरा अनुरोध है, या तो कर्मचारी खड़ा करें, आवाज रोक लाग कर दें, या फिर पुकार करने की कोई व्यवस्था करवाएं, अनाउंसमेंट करवाएं। अचानक ऐसे बंद कर देंगे तो हम जैसे मुसाफिर कहाँ जाएंगे? और क्या सर जी, बहुत सारे धन्यवाद सर आपका। नरेंद्र सिंह, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, CG-04। भारी वाहन को लेके रोकथाम लगाई गई है जी, उन्होंने क्या कहना सर जी? इसमें रोकथाम तो है ही है, इसमें गवर्नमेंट का, सरकार का, जो सरकार है हमारी, ये शिवराज सिंह की सरकार है, ये कुछ ध्यान नहीं देती है। ये सेकंड बार पुल का टूटा हुआ है, इसमें 80 साल की बुजुर्ग माता आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इनको कौन देखता है? बाद में जब वोट लेना होगा तो शिवराज सिंह आएंगे, वोट ले जाएंगे, और यहाँ की परेशानी कोई नहीं देखता। ये भी मध्य प्रदेश है ना, दूसरा तो है नहीं कुछ है। ये तो मध्य प्रदेश के बीच की बात है। यहाँ का जो दुख है बस वालों का, पूछो कि बेचारे के पास पैसा नहीं है, 20 रुपया का ज़्यादा इधर लग गया, 20 रुपया इधर ज़्यादा लग गया, क्या करे? किसान आदमी है, कहीं मसूर बो रहा है, कहीं चना बो रहा है, पैसे घर से तो नहीं उगते हैं है? जब उसको गाहेंगे कूटेंगे तभी ना पैसा मिलेगा। तो ये मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, यहाँ की परेशानी को हल किया जाए। क्या अभी तक मेंटेनेंस का कार्य चालू नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर जी, कल परसों आए थे दो लोग, अभी यहाँ तक देखे कि इसमें अगर ओवरलोड के ट्रक चलेंगे तो ये ध्वस्त हो जाएगी, फिर से अगर रिपेयरिंग करके मलहम पट्टी करके बना देंगे फिर छोड़ देंगे, यही होता है और यही होगा और कुछ नहीं होता है। खादा तक नहीं आ रहा है जमीन की, कुछ नहीं सर जी, खाद बोना है, बीज बोना है, बेचारे सर में रख के 10 रुपया 20 रुपया यहाँ पुल का देते हैं, साइकिल वाला लेता है, और बुजुर्ग है बेचारा, उसके घर में कोई लड़के नहीं है तो कैसे करेगा? तो ये क्या है सरकार की देन?